Good morning everyone. How are you all? Hope everyone is fine. So today we have to start chapter number 6, that is addition and subtraction up to 100. Aaj hume kya karna hai? Chapter number 6 start karna hai. It is given on page number 138. Kya hai page number iska? Page number hai 138 and the topic that we have to start is addition and subtraction up to 100. Is chapter mein aaj hum kya dekhenge? In this chapter we will see the questions related with addition as well as subtraction, starting with number 1 till 100. 1 से लेके 100 तक आपको इस चैप्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नाउ ऑन पेज नंबर 138 एंड एक्सरसाइज इज गिवन टू यू. पेज नंबर 138 पे आपको एक एक्सरसाइज इस चैप्टर से रिलेटेड दी गई है. हियर यू कैन सी एन इमेज इन योर टेक्स्ट बुक. आपको टेक्स्ट बुक में एक इमेज दिखेगी, उस इमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दिए हैं. दिस क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व. इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना. सो फर्स्ट सी व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन हियर. ईना, तोशी, हसन एंड जस्मीन, दीज आर द नेम्स ऑफ फोर डिफरेंट स्टूडेंट्स. क्या क्या नाम दिए हैं? ईना, तोशी, हसन एंड जस्मीन. वॉट दे आर डूइंग? दे हैड वेंट टू द जू. वो कहाँ गए थे? वो जू में गए थे वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर लिविंग. दे सो मैनी एनिमल्स. वहां उन्होंने क्या किया? दे हैड सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देयर. वहां उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को देखा. हेल्प देम टू एड एंड टेक द करेक्ट आंसर. अब आपको क्या करना है? यहाँ जो एनिमल्स उन्होंने देखे हैं उनके न्यूमेरिकल्स फॉर्म दिए हैं. वी हैव टू एड दीज नंबर्स. हमें इन नंबर्स को एड करना है और जो आंसर करेक्ट है उसके लिए हमें इस सर्कल के अंदर टिक मार्क लगाना है. सो दिस इज ऑल वी हैव टू डू रिलेटेड विद दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ये सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी है. सो फर्स्ट वन इज देयर सो 3 पैराकीट्स एंड 6 एमिल्स. हाउ मेनी बर्ड्स? पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? पहले उन्होंने क्या देखा? फोर डिफरेंट स्टूडेंट्स थे. फर्स्ट देयर सो 3 पैराकीट्स. पैराकीट्स कितने देखे उन्होंने? 3 एंड 6 एमिल्स. एमिल्स कितने देखे हैं? 6. फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? दे हैव आस्क्ड यू हाउ मेनी बर्ड्स. ये क्या है? ये जो दोनों नाम आपको दिए हैं पैराकीट्स और एमिल्स, दीज आर बर्ड्स. आपसे पूछा है कि टोटल वैल्यू कितनी है इन बर्ड्स की. नीचे इसके जस्ट नीचे आपको एज ए हिंट यहाँ दिया गया है आंसर्स के लिए 8, फिर एक सर्कल बना हुआ है 9, फिर एक सर्कल बना हुआ है 4, फिर एक सर्कल बना हुआ है. इन तीनों में से एक आंसर इसके लिए करेक्ट है. वी हैव टू टेक दैट पार्ट. हमें उस करेक्ट आंसर पे एक टिक मार्क बनाना है. अब हम क्या करेंगे? वी विल सी द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन वी विल ऐड दीज वैल्यूज. हम इन न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे और इन न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे. फर्स्ट नंबर इज 3. पैराकीट्स कितने थे? 3. इट मीन्स हमें कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी होगी यहाँ पे? 1, 2, 3. क्यों 3 लाइन्स ड्रॉ की है? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने 3 पैराकीट्स के बारे में हमें यहाँ बताया है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज 6 एमयूज. एमयूज कितने हैं? 6. अब जब भी हम एडिशन करते हैं तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं एडिशन के लिए? ये वाला. इस सिंबल को क्या बोलते हैं? प्लस. इसमें क्या वैल्यू एड करनी है हमें? 6. तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ड्रॉ 6 लाइन्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल कितनी लाइन्स ड्रॉ की हमने यहाँ पे? 6. नाउ वी हैव टू काउंट दीज लाइन्स. इन लाइन्स को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसके लिए हमें टोटल वैल्यू क्या बनी? 9. क्या आंसर मिला हमें इसके लिए? 9. नाउ जस्ट सी इन दिस पार्ट, जहां आपको ऑप्शन में 9 मिलेगा वी हैव टू टेक दैट पार्ट. तो ये कहां पे दिया है? सेकेंड वन. यहां पे आपको क्या करना है? इस सर्कल के आगे ऐसा टिक मार्क लगाना है. क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? दो डिफरेंट वैल्यूज दी थी, उन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, उसका आंसर चेक किया और जो करेक्ट आंसर है उसके लिए हमने इसमें टिक मार्क लगाया. अगर इसे हम टॉप टू बॉटम के फॉर्म में अरेंज कर दें, अगर यही एडिशन हमें टॉप टू बॉटम के फॉर्म में अरेंज करना होता तो कैसे करते? 3, फिर क्या लगाते?
प्लस का साइन और सेकेंड वैल्यू क्या लिखते हैं 6। इस तरीके से भी आप लिखकर ऐड कर सकते हैं, या तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या टॉप टू बॉटम के फॉर्म में अरेंज करके इसका सम सॉल्व कर सकते हैं। सो द फर्स्ट आंसर इज 9। कितने बर्ड्स थे यहाँ पे, हाउ मेनी बर्ड्स, तो दे आर 9 बर्ड्स। कितने बर्ड्स थे, 9। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज 4 एलिफेंट्स। कितने एलिफेंट्स हैं, 4 एलिफेंट्स एंड 4 हिप्पोस, हाउ मेनी बिग एनिमल्स। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, दैट देयर आर 4 एनिमल्स, 4 एलिफेंट्स एंड 4 हिप्पोस। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ बिग एनिमल्स। इन दोनों एनिमल्स को क्या कंसिडर किया जाता है, इन्हें कंसिडर किया जाता है बिग एनिमल्स बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड वेट। साइज और वेट के अकॉर्डिंग इन्हें हम बिग एनिमल्स कंसिडर करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिफेंट्स यहाँ कितने दिए हैं, 4। इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ 4 लाइंस, 1, 2, 3, 4। देन पुट अ सिंबल ऑफ एडिशन, एडिशन का सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, 4 हिप्पोस, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 लाइंस ड्रॉ। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या होगा, टॉप टू बॉटम लिख के भी अरेंज कर सकते हैं। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं, 4, फिर नंबर ऑफ हिप्पोस कितने दिए हैं, 4। इन दोनों तरीके से आप इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सिंस यू आर ड्रॉन द लाइन, देन ड्रॉ दिस लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल वैल्यू आपको क्या मिली इसकी, 8। मीन्स 4 + 4 = 8। नाउ लुक एट दीज ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या है 4, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 5 और थर्ड नंबर पे ऑप्शन क्या दिया है 8। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 8। वी हैव टू पुट अ टिक मार्क इन दिस पार्ट। आपको क्या करना है, टिक मार्क, ये जो थर्ड ऑप्शन दिया है जिसमें नंबर है 8, दिस इज द करेक्ट आंसर, यू हैव टू पुट अ टिक मार्क इन दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 5 डक्स, नंबर ऑफ डक्स कितने लिए हैं 5 एंड 3 क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स कितने लिए हैं 3। हाउ मेनी वाटर एनिमल्स, आपसे क्या पूछा है, दैट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वाटर एनिमल्स। डक्स और क्रोकोडाइल्स दोनों ही कैसे हैं, दे यूज टू लिव इन वाटर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वाटर एनिमल्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दिस डिजिट। पहले नंबर ऑफ डक्स कितने हैं 5, देन नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स कितने हैं 3। वी हैव टू ऐड 5 + 3। कैसे ऐड करेंगे, ड्रॉ द लाइंस फर्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, फिर आप देंगे एक एडिशन के लिए सिंबल, देन नेक्स्ट इज 1, 2, 3। पहले आपने 5 लाइंस ड्रॉ की किसे ढूंढने के लिए, नंबर ऑफ डक्स, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स, दैट इज 3। नाउ एड दीज टू लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल वैल्यू हमें क्या मिली, 8। मीन्स 5 + 3 = 8। क्या वैल्यू मिली हमें, 8। नाउ चेक दीज ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज 4, पहला ऑप्शन आपको क्या दिया है 4, नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है 8, नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है 5। तो अब इन तीनों में से हमें करेक्ट वैल्यू को टिक करना है, सो द करेक्ट आंसर इज 8। किस पे आप टिक मार्क लगाएंगे, 8 पे। क्यों टिक मार्क लगाया 8 पे, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ डक्स कितने थे 5, नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स कितने थे 3, और क्वेश्चन में आपसे पूछा था हाउ मेनी वाटर एनिमल्स, इन दोनों को ऐड करने पे आपको बताना था कि टोटल वाटर एनिमल्स कितने थे उस जू में। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू गॉट द नंबर 8, और इस नंबर 8 पे आपको टिक मार्क लगाना है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 6 बेबी मंकीज एंड 1 बेबी डियर, हाउ मेनी बेबी एनिमल्स। अब आपको वैल्यू किसकी दी है, नंबर ऑफ बेबी मंकीज आर 6, नंबर ऑफ बेबी डियर इज 1। यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ बेबी एनिमल्स, तो कैसे काउंट करेंगे, फर्स्ट इज 6, क्यों लिखा है 6, क्योंकि यहाँ पे बेबी मंकीज का नंबर है 6 और बेबी डियर का नंबर है 1। इट मीन्स एडिशन का सिंबल लगाएंगे और 1 इसमें ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है, ड्रॉ द लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपने 6 लाइंस ड्रॉ की, फिर एडिशन का सिंबल लगाया, उसके बाद 1 लाइन ड्रॉ की। नाउ काउंट दीज लाइंस, अब आपको क्या करना है, ये जो लाइंस आपने ड्रॉ की है इसे आप काउंट करेंगे। काउंटिंग स्टार्ट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल वैल्यू आपको क्या मिली है यहाँ पर सेवन, इट मीन सिक्स प्लस वन इज सेवन. नाउ लुक एट द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज फाइव, सेकेंड ऑप्शन इज सेवन एंड थर्ड ऑप्शन इज एट. करेक्ट आंसर इज सेवन. क्या है करेक्ट आंसर? सेवन. इट मीन्स यू हैव टू टेक द सेकेंड पार्ट विद द नंबर सेवन. जो नंबर सेवन है उस पर आपको टिक मार्क लगाना है. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट इज फोर टाइगर्स एंड टू ज़ेब्रास, हाउ मेनी एनिमल्स विद स्ट्रिप्स. नंबर ऑफ टाइगर्स कितने दिए हैं यहाँ पे? फोर. नंबर ऑफ ज़ेब्रास कितने दिए हैं? टू. एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड? दे हैव आस्क्ड यू हाउ मेनी एनिमल्स विद स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स के साथ कितने एनिमल्स हैं? इनकी बॉडीज पे आप स्ट्रिप्स देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूछा है हाउ मेनी एनिमल विद स्ट्रिप्स. नंबर ऑफ टाइगर्स क्या है? फोर. और नंबर ऑफ ज़ेब्रास कितने हैं? टू. नाउ वी हैव टू एड दीज टू वैल्यूज. हमें क्या करना है? इन दोनों वैल्यू को एड करना है. कैसे एड करेंगे? फर्स्ट डिजिट इज फोर. वन टू थ्री फोर, फोर लाइन स्ट्रॉन्गी. देन पुट द एडिशन सिंबल एंड नेक्स्ट वन इज टू. तो यहाँ पे टू लाइन स्ट्रॉ करेंगे. नाउ काउंट दीज लाइन्स, इन लाइन्स को काउंट करना. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पे? सिक्स. नाउ लुक एट द ऑप्शन, फर्स्ट वन इज नाइन, सेकेंड वन इज एट, थर्ड वन इज सिक्स. करेक्ट आंसर क्या है इसका? सिक्स. सो वी हैव टू टेक द ऑप्शन इन विच द नंबर इज सिक्स. जिस ऑप्शन में आपको नंबर सिक्स मिला है उसी के सामने आपको टिक मार्क लगाना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.